दोस्तों डेली क्रिकेट न्यूज़ के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को आईपीएल से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि आईपीएल 2020 होने का कितना चांसेस है, लॉकडाउन 3 आईपीएल 2020 के लिए क्या क्या गुड न्यूज़ लेकर आया है, केकेआर के नए युवा बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने आईपीएल 2020 को लेकर क्या कहा, और भी बहुत सारे न्यूज़ है जो आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करके जरूर बताना ये सीरीज आप लोग देखना पसंद करते हैं या नहीं। साथ ही साथ आप भी अगर आईपीएल 2020 को लेकर हर छोटा बड़ा न्यूज देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन बढ़ने से आईपीएल 2020 को कौन से दिक से फायदा हुआ। दोस्तों फिलहाल तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, और इसीलिए भारत में कोरोना वायरस की बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार ने फिर से 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि जहां पर भी आप लोगों को बताया गया था 15 मई से आईपीएल 2020 शुरू होने वाला है, सब फेक न्यूज थे, क्योंकि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने पहले ही बता चुके हैं कि जब तक भारत में सब कुछ अंडर कंट्रोल नहीं हो जाता है तब तक कोई भी पोस्ट इवेंट चालू नहीं होने वाला है। तो जितना जल्दी भारत में कोरोना वायरस की केसेस कम होते दिखाई देंगे उतना जल्दी फिर से आईपीएल 2020 को लेकर बात आगे बढ़ेगा, और सिर्फ लॉकडाउन ही एक ही रास्ता है जिससे कोरोना वायरस कम होने वाला है। और मान लीजिए कि लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो जाता और जून के महीने में आईपीएल शुरू होते दिखाई देता तब भी आपको बता दूं विदेशी खिलाड़ियों का आना लगभग नामुमकिन है। तो इसीलिए लॉकडाउन 3 के कारण अगर भारत जल्दी कोरोना फ्री होता है तो आईपीएल 2020 हमें अक्टूबर से नवंबर के महीने में जरूर देखने को मिलेगा। दूसरे न्यूज़ के बारे में बात करें जो कि है कितना चांसेस है कि आईपीएल 2020 इस साल होने वाला है। तो दोस्तों माई टीम 11 जो कि इंडिया के सेकेंड हाइस्ट पॉपुलर फैंटेसी ऐप है, उन्होंने एक सर्वे किया था इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको बता दूं 60% लोगों का मानना है आईपीएल 2020 जरूर होगा। दोस्तों 83% लोगों का मानना है 2020 के आखिर में फिर से पोस्ट इवेंट चालू किया जाए, जहां पर 40% लोगों ने बताया कि 2021 से पहले अगर कोई पोस्ट इवेंट होता है तो वो लोग स्टेडियम में जाके देखना नहीं पसंद करेंगे। स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे 10% लोग चाहते हैं कि आईपीएल 2020 जून से जुलाई में हो, 30% के करीब लोग चाहते हैं सितंबर से अक्टूबर में हो, 20% के आसपास लोग चाहते हैं कि अक्टूबर से नवंबर में हो, और 40% लोग चाहते हैं कि इस साल आईपीएल नहीं होना चाहिए। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है आईपीएल 2020 होने का कितना चांसेस है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है राहुल त्रिपाठी को लेकर। तो दोस्तों आरपीएस के टीम में 1 साल और राजस्थान के टीम में 2 साल खेलने के बाद केकेआर के टीम ने इस खिलाड़ी को इस साल नीलामी में खरीद चुके हैं, और काफी अच्छा युवा खिलाड़ी है जो केकेआर के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स किरा के एक इंटरव्यू में राहुल त्रिपाठी बता चुके हैं आईपीएल 2020 केकेआर टीम से खेलने के लिए काफी एक्साइटेड है, और 1 महीना केकेआर एकेडमी में प्रैक्टिस करके उनको काफी अच्छा लगा। उन्होंने ये भी बताया कि केकेआर सिर्फ एक टीम ही नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह है, और बहुत कुछ उनको इस टीम से 1 महीने में ही सीखने को मिला है। राहुल त्रिपाठी ने बताया कि प्रैक्टिस सीजन में वो लोग डेथ ओवर बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और अंदर असल की प्रैक्टिस देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। और आखिरी जो न्यूज है वो है यूसुफ पठान को लेकर। तो दोस्तों यूसुफ पठान ने गौतम गंभीर और शेन वॉर्न के कैप्टनसी का काफी तारीफ किए। दोस्तों राजस्थान रॉयल टीम शुरू के आईपीएल सीजन को ही जीत गए थे और जिसमें यूसुफ पठान का काफी योगदान था, और इसलिए जब शेन वॉर्न की कैप्टनसी को लेकर पूछा गया तो यूसुफ पठान ने बताया कि शेन वॉर्न खिलाड़ियों को काफी मोटिवेट करते थे और अलग तरीके से टीम को लीड करते थे। यूसुफ पठान ने बताया कि कैसे शेन वॉर्न मैच के पहले ही प्लान बनाते थे बल्लेबाज को आउट करना है, और ठीक वैसे ही मैच में भी आउट कर देते थे। और जब केकेआर टीम को लेकर पूछा गया तो बताया कि केकेआर को 2012 और 2014 में 2 बार कप जिताने में गौतम गंभीर का काफी बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया कि गौतम गंभीर काफी इमोशनल एक खिलाड़ी है और टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत टाइम भी देते थे। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट कुछ न्यूज जिसके बारे में आपको बता दिया। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ऐसा वीडियो देखना अच्छा लगता है कि नहीं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।